चलो भाई अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरा चेकआउट हो गया। सो दिस इज द असाबा एयरपोर्ट। हमारे इंडियन भाई है संजीव भाई, उन्होंने बुलाया है मुझे, मुझे पिकअप करने भी होटल में ही आ रहे हैं। लेबनीज के होटल रेस्टोरेंट की ओपनिंग है। Hi bro, how are you? You wanna say something to India? Habibi, come to cool. Hey guys, welcome back to a new video. अभी फिलहाल जो मैं हूँ ये हूँ असाबा में। कल मैं यहाँ पे पहुँचा था, मैंने आपको होटल नहीं दिखाया बिकॉज मुझे मार्केट जाना था जल्द से जल्द। मेरी फ्लाइट ऑलरेडी एक घंटा लेट हो गई थी जिसकी वजह से मुझे निकलने में भी बहुत लेट हो गया था। मैं रुका हूँ वेकेशन विला होटल में जो असाबा में ही है, एंड ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। इसका मैंने पे किया था 45,000 आयरा पर नाइट। होटल काफ़ी अच्छा है, इसके रूम्स वगैरह मुझे तो बहुत बड़े मिले। मैंने लिया था स्वीट स्वीट रूम, स्वीट मतलब मीठा, स्वीट्स SUIT स्वीट्स रूम। चलो मैं आपको आज मैं रूम भी दिखाऊँगा। और मैं यहाँ पे आज 1 बजे मैं यहाँ से चेकआउट करूँगा। 12 बजे चेकआउट टाइम है लेकिन मैं 1 बजे यहाँ से निकलने वाला हूँ बिकॉज जो मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है वो है कानों के लिए। और वो जो फ्लाइट है मेरी यहाँ से 2:45, 10 मिनट में एयरपोर्ट पे पहुँच जाऊँगा और फिर वहाँ से बाकी के सारे प्रोसेस मैं आपको वो आगे का दिखाऊँगा। तो फिलहाल आप देखो यार कि मैं जिस होटल में हूँ उसका नज़ारा कैसा है। जहाँ मैं बैठा हूँ फिलहाल यहाँ पे स्विमिंग पूल है, अब देख लो। यहाँ पे शाम के टाइम पे जब रेस्टोरेंट से यहाँ पे खाना आता है लोग यहाँ पार्टी भी करते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम भी है और यहाँ पे कुछ लोग बैठ के इन्जॉय करते हैं। मैं स्विमिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि पानी थोड़ा सा गंदा है तो मैं इसके लिए स्विमिंग नहीं कर रहा, वरना मेरा प्लान था। और यहाँ पे मसाज भी है लेकिन मसाज मैंने नहीं लिया। मसाज का जो कॉस्ट बताया इन्होंने 15,000 नायरा है एंड 20,000 नायरा है डीप टिश्यू मसाज के लिए। फुल बॉडी मसाज की बात कर रहा हूँ, मेडिक्योर पेडिक्योर ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक जिम भी है जो कि बहुत खटारा है तो जिम नॉट गोइंग। चलो होटल एक्सप्लोर करते हैं कैसा है, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ी देर ही हूँ उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और मैं जिस जिम की बात कर रहा था वो ये जिम है, आप देख लो नीचे बहुत गंदा है, क्लीनिंग चल रही है, मे बी बहुत गंदा है। ये जिम है, पूरा मशीन ऐसे बिखड़ा पड़ा हुआ है। और एक ये चेंजिंग रूम है, इसकी भी हालत कुछ खास था नहीं, लॉकर है और यहाँ पे बाथरूम वगैरह है। शायद ये काउंटर पे कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ है प्यारा सा। और ये यहाँ पे काउंटर है, चेक इन काउंटर। ये यहाँ पे गेस्ट एरिया है जहाँ मैं पहले बैठा था, पार्टी का था प्रोग्राम, नाइट क्लब वगैरह, जो मेरे को इनविटेशन आया था पर मैंने ज्वाइन नहीं किया उसको। और इसके अंदर ही पूल एरिया जाने के लिए है और जिम जाने के लिए। क्या क्या चीज़ें मिलेगी देखो, जिम स्पा सलून बोर्डरूम। इस लिफ्ट से मेरे को जाना है जो मैं 4th फ्लोर पर रह रहा हूँ, तो चलो रूम में चलते हैं। जा रहा हूँ 4th फ्लोर पर और आपको मैं मेरा रूम दिखाता हूँ वहाँ से, मेरा रूम कैसा है। तो क्या है कुछ एडवर्टाइजमेंट आई थिंक। सो हम आ गए 4th फ्लोर पे। तो ये कुछ रूम्स इस साइड है, ये स्टेयरकेस हो गया और यहाँ से मेरे रूम की एंट्री, बिकॉज मेरा रूम नंबर 402 था तो ऐसा कुछ यहाँ का एंट्रेंस। और ये है मेरा रूम जो कि लॉक्ड है क्योंकि मेरे भाई अंदर है। हाँ मेरे रूम की जो कैटेगरी मैंने बताया था वो देखो, स्वीट स्वीट्स। ये ऐसा कुछ मुझे रूम मिला है, एक बेड मुझे यहाँ मिला है, एक वहाँ पे है, बीच में बड़ा सा सोफ़ा है और देखो कितना बड़ा रूम है, डबल TV, मतलब सब कुछ डबल वाली फीलिंग दी है। और एक AC यहाँ है, एक AC यहाँ है और बीच में सोफ़ा, एक मिनी फ्रिज, यहाँ भी टेबल है कुछ रखने के लिए। सामने जो कबाड़ दिख रहा है ना, इसमें मेरे दोनों बैगेज डाल दिए हैं। और बेड थोड़ा बिखरा पड़ा है जो मैंने यूज़ किया आज, तो देख लो कितना बड़ा है रूम। और यहाँ सामने बाथरूम है, बाथरूम भी काफ़ी इनफ साइज़ का है लेकिन थोड़ा सा गंदा रहता है बाथरूम। लाइटिंग देखो ब्लू, तो ये है बाथरूम, शार्ट एरिया इस साइड में है। तो अब हम जाएंगे, रेडी होंगे बिकॉज ऑलरेडी 11 बज चुका है और मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है तो मुझे रेडी होना चाहिए। रेडी होकर फ्रेश होकर हम लोग 1 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे। तो पहले यहाँ से निकलेंगे, कहीं कुछ खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद सिर्फ कानों के लिए डायरेक्टली फ्लाई करेंगे। हेलो भाई अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरा चेकआउट हो गया। नॉट क्लोज या क्लोज ना, जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे, काफ़ी लेट हो गया। अभी मुझे सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट मेरे पास है मेरी फ्लाइट के टाइमिंग के लिए। और क्या बताऊँ यार, बहुत लेट हो गया है
तो मैं अब डायरेक्टली एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ। होपफुली मुझे खाने को वहाँ पे कुछ मिल जाए, वरना फिर फ्लाइट में कुछ नहीं मिलेगा, भूखा रहना पड़ेगा। हार्ड लक, यहाँ से 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, एयरपोर्ट ज़्यादा दूर। So this is the Asaba Airport. इससे मेरा लंच भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे राइस है लेकिन प्लेन राइस है, जो कि मुझे ग्रेवी मिल नहीं रहा उसके लिए, तो सिर्फ मुझे लेग पीस खाना पड़ेगा। तो एक मैंने यहाँ लिया है, एक मैंने यहाँ लिया है। मैंने यहाँ पे सैंडविच ट्राई किया है, चिकन सैंडविच, वो भी अच्छा था लेकिन पेट नहीं भरा। बाकी यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। इसका पेमेंट कितना करना है मुझे मालूम नहीं, थोड़ी देर मालूम। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग? फाइनली मैं कानों में पहुंच चुका हूं और मेरे को यहां पे आने में जो टोटल फ्लाइट का टाइम लगा 1 आवर 15 मिनट का था, लेकिन मेरी जो फ्लाइट थी असाबा से वो थी 2:45 की। और आप यकीन करोगे 2:45 में फ़्लाइट लागोस से फ्लाई किया है, लागोस से कानों आने में कुछ 45 मिनट लगता है। तो 4 बजे मैं असाबा से निकला हूँ, जो कि 4 बजे कानों पहुँचने का टाइम था। मुझे एक बात समझ में ज़रूर आ रही है कि जितने भी एयर पीस की फ़्लाइट होती है ना, सब डिले चलती है। चलो कोई गलत नहीं है, फाइनली मैं मेरे होटल में चेकिंग कर चुका हूँ और ये कुदू भाई की मेहरबानी से मुझे होटल काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ गया। आपको पता है इसका नॉर्मल जो चार्जेस है वो 38,000 के ऊपर है, 38,000 से 45,000 तक है, लेकिन उनकी मेहरबानी से मुझे ये 28,000 में मिल गया। अभी मैं रिसेप्शन में बैठा हूँ और एक हमारे इंडियन भाई है संजीव भाई, उन्होंने बुलाया है मुझे, मुझे पिकअप करने भी होटल में ही आ रहे हैं, तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। एक लेबनीज के होटल के रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, तो बोला भाई चलो भाई, आप जब कानों में आ गए हो और ये एक इवेंट हो रहा है तो बेटर है आपके लिए वो रिकॉर्ड कर लेना, तो आई एम गोइंग विथ हिम नाउ। उसके बाद देखते हैं कि ओपनिंग कैसी होती है, कितना मज़ा आता है, बिकॉज कानों में मैं ओपनिंग की सेरेमनी कवर करने वाला था। कैसे हो आप लोग? फाइन। सो वी हैव कम टू वन लेबनीज होटल ओपनिंग, राइट? सो हाउ इज गोइंग एवरीथिंग? फाइन, एंजॉयिंग, ग्रेट, लाइफ इज बेस्ट इन नाइजीरिया। गाइस आप देख सकते हो मैं अभी एक इवेंट में आया हूँ कानों में, और यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त लेबनीज होटल की ओपनिंग हो रही है। मैं इसी के एक पार्टी में आया हूँ एंड आई होप मुझे बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज मैं किसी भी होटल की ओपनिंग में फर्स्ट टाइम आया हूँ। और एक इंडियन यूट्यूबर एक नाइजीरिया में ब्लॉगिंग कर रहा है, इज़न्ट इट ग्रेट? सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड हियर। बाय द वे, अ क्लब एज वेल एज अ होटल एज वेल एज अ रेस्टोरेंट, सो यू विल फाइंड इट एवरीथिंग हियर। दारू चाहिए मिल जाएगा, बियर चाहिए मिल जाएगा, मस्ती चाहिए मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, बिकॉज ये एक लेबनीज का है। कहने को तो मुस्लिम है बट ये लोग सब कुछ करते हैं, सब कुछ। हाय ब्रो, हाउ आर यू? यू वांट टू से समथिंग टू इंडिया? अभी भी कम टू कूल, कम टू, हाय इंडिया, हाय, मजा आ रहा है? Hi, how are you? I'm fine. It's nice to see you. Lagos. Wow, Lagos. Yes, well, I was born here in Kano. Okay. Yeah, well, I live in Lagos now. Okay. Wow. Which part in Lagos? Ikeja. Okay. Great. So most welcome to Kano. Your home city. Yeah, my home city. Experience what you deserve. Yeah, it's right. You're right. Enjoy, please. Thank you. Welcome to Kano. My name is Michael. I'll be your waiter for dinner. Michael, sir. You're welcome. तो ये है वो नॉन अल्कोहलिक मॉकटेल जो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। यूजुअली मैं मॉकटेल ट्राई करता नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे पूछा है, सो
मैं ना नहीं बोलने वाला बिकॉज आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग एवरी टाइम. My friend,